प्रथम चरण का मतदान आज है। सभी मतदाता भाइयों और बहनों से मैं विनम्र अपील करता हूं कि मतदान अवश्य करें। धान कटाई का सीजन है, फिर भी इस महायज्ञ में आपकी भागीदारी बहुत ही आवश्यक है और अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान अवश्य करिए। सर, आपको क्या लगता है किन मुद्दों को देखकर जनता आज वोट डालने जा रही है? कांग्रेस ने आपसे वादा किया है कि फिर से कर्ज माफी करेंगे, 3200 रुपया क्विंटल में धान खरीदी की जाएगी, 6000 प्रति मानव बोरा के दर से तेंदुपत्ता और 4000 वार्षिक आपको बोनस दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई में कोई शुल्क नहीं लगेगा, केजी टू पीजी पहली कक्षा से लेके आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आपको पढ़ाई में कोई खर्च नहीं होगा। उसी प्रकार से 35 किलो राशन सभी परिवार को मिलेगा, चाहे एपीएल हो बीपीएल हो, 500 रुपया गैस सिलेंडर, जितने भी जिसके पास भी गैस कनेक्शन है चाहे उज्ज्वला हो या दूसरे, सबको उसका लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ जो स्वास्थ्य योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल, उसे 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है और दुर्घटना में पूरा खर्च हमारी सरकार उठाएगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा। उसी प्रकार से 200 यूनिट तक की बिजली जलाने पर कोई बिल नहीं आएगा, मतलब 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त। तो ये सारी योजनाएं हैं जो आपके लिए है। अंत्येष्टि के लिए अब चाहे कंडा हो चाहे लकड़ी हो, वो राज्य सरकार उठाएगी। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये सारी बातें शामिल है और जितने भी महिला स्व सहायता समूह है, सक्षम योजना है, उसका भी ऋण माफ होगा। जो मोटरयान कर है जिसमें 726 करोड़ रुपया बकाया है, उसे में माफ किया जाएगा। तो इस प्रकार से आम जनता के हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है और कांग्रेस को ही आपका आशीर्वाद मिले, आपका वोट मिले, ये अपील करता हूं। जिन सीट पर आज चुनाव हुए हैं उनमें से कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, लेकिन लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है सुबह से लाइन लगाकर। 5 साल जो हम लोग काम किए हैं उसे नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है और यही कारण है कि जो सड़क के किनारे मतदान केंद्र थे, अब अंदरूनी जो गांव है वहां मतदान केंद्र खोले गए हैं, अपने ही गांव में लोग अब मतदान करेंगे। तो इस समय जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, वहां ज्यादा से ज्यादा मतदान होने की संभावना है। सर, कुछ क्षेत्र में छुटपुट घटनाएं देखने को भी मिली है, आज सुबह की घटना भी है। देखिए, ये छुटपुट घटनाएं पहले तो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, अब कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही है। मैं समझता हूं कि आगे ये भी बंद होगा। नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है और हमने कंट्रोल करने में राज्य सरकार को सफलता मिली है। आगे भी आप सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा तो निश्चित रूप से नक्सलवाद समाप्त होगा।